गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, कीप स्माइलिंग। तो आज मैं करने जा रहा हूँ क्रेटा नाइट एडिशन का रिव्यू। पीछे आपको जो दिख रही है क्रेटा नाइट एडिशन है, ऑन कर रखी है क्योंकि इसमें जो है स्नाया बैठी है, इसीलिए आपको चारों तरफ से इसका एक बारी वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से लग गया हूँ। वॉक अराउंड मिल जाएगा आपको इसका, और आपको लेनी हो तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। ये सुनाया है यहाँ पे। बंद करो बेटा, अंदर बैठ जाओ। या तो ये पहले इसको फ्रंट से देखो, ये कुछ इस तरह का फ्रंट क्रूक है और DRL है इसमें, LED भी है। ये जो बीच वाली है ये लाइट जब ऑन करते हैं तब जलती है, और अभी आप देख सकते हो टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है, अभी इसका नंबर आया नहीं। और ये नाइट एडिशन है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। ये जो है बिल्कुल ब्लैक कलर कर दिया इसका लोगो हुंडई का। ये कुछ ग्रिज इस तरह की है, ग्रिज में ये जो स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा है, ये जो इसका ड्रॉबैक है या फिर कुछ भी कह सकते हैं। और ये साइड से आपको एक बार साइड लुक दिखा देता हूँ, पूरा फ्रेम के अंदर ये साइड लुक है इसका इस तरह से। और टायर की बात करें तो ये टायर है अपना JK टायर का है। टायर सेक्शन आप कुछ ये है 215/60 R17, और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं ब्लैक कलर के, और ब्लैक एडिशन है ये रेड कैलिपर करके हुंडई वालों ने दे दिया। डिस्क ब्रेक आ रही है, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है। हाँ, पिछले टायर में जो है ना रेड कैलिपर पता नहीं क्यों नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूँ ये कैलिपर रेड करवाऊँ या ऐसे रहने दूँ। इसमें भी डिस्क ब्रेक है, चारों डिस्क ब्रेक आते हैं, ये बहुत बढ़िया कर रखा है हुंडई ने। और ये कुछ इस तरह से अगर पीछे से देखें तो लुक ऐसी लग रही है। और अब पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे से देखोगे तो आपको अब यहाँ से पता लगेगा कि ये क्या है, नाइट एडिशन है। नाइट एडिशन की बैजिंग दे रखी है, बाकी पीछे से डिफोगर आता है और ये बैक वाइपर आता है, पानी का यहाँ ये वॉशर दे रखा है, और पीछे से कुछ इस तरह की कनेक्टेड टेल लाइट है। और हुंडई का लोगो फिर से ब्लैक है, लेकिन इस बार ये सब क्रेटा में अंदर ही है, इस ग्लास से के अंदर दे रखा है। और जो क्रेटा लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। बाकी बहुत मस्त लग रही है, अगर कमेंट में बताओ आपको कैसी लग रही है ये नाइट एडिशन। पीछे ये हैलोजन की जगह LED लाइट दे रखी है, ठीक है। और पार्किंग सेंसर की बात करें तो एक और दो पार्किंग सेंसर हैं, ये कैमरा दे रखा है। कैमरा की क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे कैसी है डे और नाइट में। तो कुछ पीछे से जो अपनी क्रेटा नाइट एडिशन ऐसी लगती है, ये डीजल टैंक है इसमें, 50 लीटर के राउंड डीजल आ जाता है। ये अंदर से खुल जाएगा और कुछ इस तरह से। अच्छा, इसमें एस ऑप्शनल में ये रूफ रेल भी आती है, लेकिन ये क्या है फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल मतलब जो है कि लोड नहीं दे सकते, बाकी इसको पकड़ के या कुछ ऊपर सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोड नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आफ्टर मार्केट लगवाए मैंने ये, और ये जो और अंदर 7D मैटिंग फ्लोरिंग करवाई है, उसके बाद मैट लगवाए हैं, सिर्फ ये काम की ज़रूरत थी इसके अंदर, बाकी सब कुछ है इसमें, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो। एक बार डिक्की चेक करवा देता हूँ आपको कितना स्पेस मिलता है इसमें। ये देखो, पार्सल ट्रे इसके साथ आती है एस ऑप्शनल क्रेटा डीजल नाइट एडिशन में, और ये कुछ इस तरह का इसमें स्पेस होने वाला है। और यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, डिम लाइट है, ठीक है। बाकी पार्किंग या जो आपका सामान वगैरह रखते हैं उसके हिसाब से ठीक है लाइट। और ये एक हुक दे रखा है यहाँ पे, और ये अपना गाड़ी गुड़ी ख़राब हो जाए उसके लिए है। और ये स्पेयर टायर है, इसकी बात करें सेक्शन की R16 है, 1 इंच कम दे रखा है। और अलकजार में तो क्या है, यहाँ से पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हो। हाँ बता रहा, अलकजार में डीजल में स्पेयर टायर ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब कंपनी जो है ना ये चाह नहीं रही कि डीजल गाड़ियाँ बिके इनकी, प्रेशर आया हुआ है सरकार का इसीलिए। और इसमें रिक्वेस्ट सेंसर है, ये इस तरफ एक तरफ है ड्राइवर की तरफ, इसको दबा के और ये हो जाता है।
अब अंदर चलते अब हैं। चलते हैं अंदर इसके, ये ब्लैक कलर के ये बहुत नुकसान है, ये देखो सारा स्क्रैच हो गए इसके ऊपर। अब चलो अंदर चलते हैं। ये रिक्वेस्ट सेंसर है जो ड्राइवर साइड में मिलता है, इसको खोलते हो तो आप देखो सीधा सारा कुछ ब्लैक कर दिया आपने, सब ब्लैक। इंटीरियर उंटीरियर, छत जो है वो ऑफ वाइट कलर की है, क्योंकि छत तो जरूरी है, नहीं तो फिर इसमें क्या है क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता। जो मैंने फर्स्ट और टाइम क्रेटा आई थी ना, जब ये फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम मैंने बुक करवाई थी, लेकिन इसका इंटीरियर मुझे खास नहीं लगा, तो फिर मैंने ये कैंसिल करवा दी। पीछे व्लॉग में आप देख भी सकते हो, हमने बुकिंग की वीडियो भी डाली हुई है। तो अब जब ये ब्लैक नाइट एडिशन आया ना, तो मैंने ये बुक करवा के और फिर ये ली। इसका लेने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, हमने ये मॉडल और क्रेटा ही क्यों चूज़ की। वैसे मैंने जो है ना थार रॉक्स भी बुक करवा रखी है, बेस मॉडल, जो कि मई 2025 में आने वाला है। अब देखते हैं उसको कैंसिल करवाऊंगा या क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने ये क्रेटा लिया है, ये आपको दिखाते हैं इंटीरियर। देखो पूरा ब्लैक, पूरा डोर सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन थोड़ा प्लास्टिक से कम है, सॉफ्ट प्लास्टिक ज़रूर है। ये चारों पावर विंडो है और फोल्डेबल अनफोल्डेबल ये अपने मिरर हो जाते हैं, एक बटन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये विंडो टच, ये लॉक के लिए, सॉरी डोर लॉक अनलॉक के लिए ये विंडो है, वन टच वन अप नहीं है, जो होनी चाहिए थी इस मॉडल में। और ये है अपना एस ऑप्शनल नाइट एडिशन, आपको इसके स्क्रीन से पता लग जाएगा। ये जो म्यूजिक सिस्टम है, ये देखो बटन भी है और टच स्क्रीन भी है, कुछ इस तरह से है। चलो अब अंदर तो चलते हैं। गाइस अब आ गए हम अपनी क्रेटा नाइट एडिशन डीजल में। दरवाजा कर दिया बंद और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये देखो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ये मैग्नेटिक है, कुछ अपने टिकट होल्डर या टिकट चिपकानी या कोई मैसेज है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टाइम है, तो आप यहाँ लगा सकते हो रिमाइंडर के तौर पे। और ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, ये लाइट की एडजस्टमेंट है, ये पता नहीं क्या है, ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, ठीक है। ये एसी वेंट दे रखे हैं, ये आपका स्टेयरिंग है, डी कट स्टेयरिंग, बहुत मस्त है ये, और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। ये आपको यहाँ मोड दे रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम जो ये लगा हुआ है, इसके मोड हैं। ये स्टार आप कोई भी आपका फेवरेट जो है ना वो सेट कर सकते हो, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ये क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, ये MID को चेंज करने के लिए, यहाँ से दबाओगे आप ये आ जाता है, ड्राइवर असिस्टेंस, यूरिया लेवल कितना है ये बता देगा आपको, रिफिलिंग कब हुई है। अब देखो जब मैं लेके आया हूँ ना इसको 2 किलोमीटर, तो इसने 6 की एवरेज दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बहुत बढ़िया स्टेयरिंग है। ये भी देखो थोड़ा सा फेड है, सेटन में कर दिया लोगों, बहुत अच्छा किया है ये इसमें। और ये म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। ये मेनली लेने का रीजन, एक तो ये नाइट एडिशन था ब्लैक कलर का इंटीरियर, और दूसरा जो है ना ये ड्यूअल जोन AC, आप बेस मॉडल ले लेते हो आप, लेकिन इसको चेंज नहीं करवा पाते, सारी लुक जो है ना ये खराब करता है। ये जो लुक आया है ना ये बेस मॉडल में नहीं लग सकता, बाकी आप ये लगवा दोगे, ये करवा दोगे, सब करवा दोगे, ठीक है। दूसरा आप ये नहीं करवा सकते, ये देखो सनरूफ। तो वैसे तो इंडिया के हिसाब से बहुत जल्दी खुलती है ये, इंडिया के अकॉर्डिंग वेदर के तो ठीक नहीं है सनरूफ, लेकिन कभी कभी आप इसको यूज कर सकते हो, और जब आपको यूज करना है तब आप इसको खोल लो, और जिसमें नहीं है तो वो फिर कैसे यूज करेगा ना। तो एक ये रीजन भी है सनरूफ लेने का, अच्छा है। और बाकी सारी सीट जो है कंफर्टेबल, ज्यादा कंफर्ट नहीं है सीट में, फैब्रिक की है, एडजस्टेबल हाइट कर सकते हो इसकी। और ये स्टोरेज स्पेस है, काफी है स्टोरेज स्पेस, ये 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मोबाइल रखने की जगह मिल जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएंगे, ये 180 वोल्ट का ये मिल जाएगा, सिगरेट लाइटर लगाते हैं, सिगरेट तो पीनी भी नहीं चाहिए और मैं तो पीता भी नहीं भाई, ठीक है। एयर बैग मिल जाएंगे, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे आपको। अब चलो अच्छा ये जो मिरर है ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आपका सनग्लास होल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, ये सारी चीजें तो आप लगा देते हो आफ्टर मार्केट, लेकिन ये जो सनरूफ है ना ये नहीं लगा सकते। चलो अब पीछे चल के आपको दिखाता हूँ पिछली सीट पे क्या क्या मिलता है अपने को।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, अभी स्टार्ट किया चैनल, वैसे तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये आपका पीछे अपन डोर खोलते हैं तो सेम वही चीजें। एक और बेस्ट चीज इसमें क्या है, ये कर्टेंस दे रखे हैं आपकी प्राइवेसी के लिए, आप ये लगा सकते हो, या गर्मी है जैसे और है तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हो, अच्छा फीचर है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले मानते नहीं भाई, कंपनी ने दे रखा है लेकिन आपने लगा रखा है तो वो चालान जरूर कर देंगे, उस हिसाब से अपने हटा लेना। चंडीगढ़ जाओ तो अपने लगाना भी मत भाई, क्योंकि अपन ने चालान भर रखा है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो पीछे से आपकी कुछ ऐसे लुक आती है, ये देखो सनरूफ काफी बड़ी है और खुला खुला फील होता है। अब जैसे सर्दियों के मौसम आ गया ना, नवंबर चल रहा है, अब बहुत बढ़िया यूज होगा, अच्छी अच्छी धूप आया करेगी इसमें से। ठीक है, तो अभी बताते हैं, ये देखो ये आपके वही सेम है, सॉफ्ट प्लास्टिक है और ये भी बिल्कुल ब्लैक कर दिया। ये इसके पीछे कोई पॉकेट नहीं मिलती, ये अपना ये जो है एसी वेंट दे रखे हैं पीछे की तरफ, पीछे हवा लेने के लिए, और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, यहाँ अपना मोबाइल रखो बस चार्ज करो, कोई लड़ाई नहीं होगी, दो सवारियां बैठी हैं दो चार्ज हो जाएंगे, दो फोन आगे चार्ज हो जाएंगे, चार ही बंदे तो बैठते हैं। ठीक है, पीछे तीन आदमी बैठ सकते हैं आराम से, ये हाइट एडजस्टेड है, ये आपके हेड रेस्ट है। बीच वाले पैसेंजर को नहीं दे रखा भाई, बीच वाले को भी दे देते इसने, के दिक्कत कर रखी है तुम्हारे। ये ग्रैब हैंडल है, ये लाइट है मस्त, ये लाइट देख लो, एलईडी लाइट दे रखी है, यहाँ भी पार्सल ट्रे है, यहाँ कोई भी आप सामान रख सकते हो। पीछे से देखते हैं तो लुक कुछ गाड़ी इस प्रकार से लगती है, ये देखो सामने सनाया बेटी घूम रही है, वो वैसे वीडियो का वो कर रही है कि वीडियो बना रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो आप। और ये देखो वन टच में ये सनरूफ बंद हो जाती है, बहुत फास्ट बंद होती है ये देखो। और वन टच में ये खुल जाती है। सनरूफ तेरे को अच्छी लगती है? ये बच्चों की फेवरेट होती है सनरूफ, इसीलिए ये सनरूफ वाली गाड़ी दी गई है ना।